सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप गल करांगे स्टीरोइड्स बारे। बहुत तरह दियाँ गलत भावनावां अपने सब दे विच फैलियां होईयां ने, जिदे विच एक भावना ये भी है कि आयुर्वेद दे विच स्टीरोइड्स का प्रयोग हुंदा है, जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों जिहड़े मैनू सुन रहे ने, उन्होंने हमेशा कदे ना कदे एक चीज़ महसूस की होएगी, जब भी किसी वड्डे डॉक्टर को जाने या बड़े हॉस्पिटल जाने तब सब तो पहला जे कोई ऑटोम्यून डिजीज़ है या यह जी बीमारी जिन्हू जिदा इलाज प्रॉपरली नहीं मिलता, तो डॉक्टर्स थोनू स्टीरोइड ही लिखते हैं और थोनू वो कह के स्टीरोइड लिखते हैं। पर मैं थोनू दसना चाहना, आयुर्वेद दे विच इहदा बहुत तरीके नाल, ईवन कि असीं कह सकते हैं कि साड़ी कुछ यह जी हर्ब्स हैं जो नैचुरल स्टीरोइड्स का काम करदियां ने, जिहड़ी कि हानिकारक नहीं है, कैमिकल नाल बनी हुई नहीं है। चाहे कोई ऑटोम्यून डिजीज़ है, चाहे यह जी बीमारियां जिहदा कोई इलाज थोनू नहीं मिलता, या कई बार आपां नू वायरल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोनू बार बार बुखार खांसी जुकाम हुंदा है, तो जब आपां इह स्टीरोइड्स लैंदे आ तो अपनी अंदरूनी शक्ति नू हार्म करदे आ, साडी अपनी इम्यूनिटी नू हार्म करके आपां उहनां ते डिपेंडेंट हो जाने आ। तो मैं थोनू एक राय देना चाहुंदा, जब भी थोनू यह महसूस होवे कि थोड़ी इम्यूनिटी घट रही है, बार बार दवाइयां खानी पैंदियां है, तो जरूर एक बार आयुर्वेद दा सहारा लो, क्योंकि आयुर्वेद एक यही जी शक्ति है जो थोड़ी अपनी इम्यूनिटी नू इनहांस करके थोड़ा इलाज करन च समर्थ है। धन्यवाद।